नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। पूछा, ये वृद्ध क्यों है? जवाब मिला, हर एक को एक दिन वृद्ध होना है। एक रोगी को देखा, जवाब मिला, हर एक रोगग्रस्त होता है, ये संसार तो दुखमय है। मृत को देखा, अर्थी जा रही थी, जवाब मिला अर्थी को देखने के बाद, जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो हर एक को मरना है, जाना है संसार से। फिर एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर तेज था, पूछा ये कौन है? बोला, ये संसार से विरक्त है, ये सत्य की तलाश में है, सबको सत्य ज्ञान देने वाला है। उस राजकुमार के मन में संसार के लिए एक विरक्ति का भाव और सत्य की ओर चलने का भाव जागृत हो गया। वो थे महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से सारे संसार को सुंदर प्रकाश दिया। मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए तो ये सुंदर उत्सव का दिन है। हम सबके लिए भी उत्सव का दिन है, क्योंकि एक ऐसे महामानव का जन्म दिवस जिन्होंने संसार को सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता का सुंदर पाठ पढ़ाया। उनके जीवन के सुंदर छोटे छोटे प्रसंग हमें जीवन में बहुत सुंदर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में मूल्यों को लेकर उनके द्वारा कही गई छोटी छोटी कहानियां भी बहुत ही प्रेरक हैं, जिन्हें हम सुनते रहते हैं। तो आज सभी व्रत भी रखते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिवस है, मंगल दिवस है। आए आज बुद्ध जी के जीवन से सुंदर सीख लेते हुए अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की हम प्रेरणा लें। एक सुंदर सा वाक्य उन्होंने कहा था मित्रों, उससे ही मैं सुवाक्य की ओर लिए चलूंगा आपको, क्योंकि ये भी एक सुंदर सुवाक्य ही है। नमस्कार। अधिक अनुभव व अधिक सहनशीलता, ये विद्वता के तीन महास्तंभ हैं। विद्वान किसको कहा जाता है? विद्वान व्यक्ति वो है जो हर कार्य सोच व समझकर करता है, क्योंकि सोच व समझ के किया हुआ कार्य हमेशा ठीक और सही राह पर होता है। और जब हमें एक नया अनुभव मिलता है तो हम आगे से संभल कर कार्य करते हैं, और ये बातें हमें जीवन के अंदर बहुत ही विद्वान यानी विजडम देने वाली शक्ति है। तो इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर इन दो शक्तियों को बनाए रखें, और दिन की शुरुआत करते समय हम ये संकल्प ले लें, सहनशीलता व अनुभव। सुंदर सुवाक्य, अनुभव, सहनशीलता और साथ ही साथ अध्ययन। अनुभव धोखे से हमें बचाती है, सहनशीलता आपस में प्रेम बनाए रखती है, और साथ ही अध्ययन हमें शिखर की ओर ले चलती है, हमारे ज्ञान को एक सुंदर विस्तार देती है। तो ज़रूर इन सुंदर बातों को अमल में लाते चलें मित्रों। आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ नेशनल डेंगू डे भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारे संसार में हर साल लगभग 40 करोड़ लोग इससे काल के ग्रास बन जाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए इस पर सावधानी रखना बहुत बहुत जरूरी है मित्रों। अब कुछ ही दिनों के बाद मानसून भी आने वाला है, और हम जानते हैं बरसात के समय में जमा हुआ पानी ऐसे मच्छरों को जन्म देता है, खास करके डेंगू के मच्छरों को। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए बहुत कंसर्न्ड है। हमें भी जागरूक रहना है, औरों को जागरूक करना है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से इसके बारे में सुंदर जानकारी। हर साल भारत में 16 मई को
नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, जस्ट इसलिए कि ताकि सारे भारत में अवेयरनेस हो कि ये फीवर, डेंगू फीवर क्या चीज़ है, क्यों होता है। डेंगू एक वायरस है, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। ये तो होता है मच्छर काटने से। ये मच्छर जो है इसका नाम है एडीज इजिप्शियाई। ये मच्छर जैसे घरों में जहाँ कूलर होते हैं, पानी खड़ा होता है, वहाँ पर होता है। और ये मच्छर अधिकतर काटता है पैरों पर या हाथों पर, पेरिफेरल बॉडी के पार्ट्स पर। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथ पैरों को ढक के रखें तो मच्छर से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और अपने घरों में पानी को स्टोर, कहीं भी पानी स्टैंड ना करें। और ये जो बुखार है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें बुखार, नौजिया, वॉमिटिंग, बॉडी में दर्द होना, और इसमें मेन बात क्या होता है, 20 में से एक केस या एक या दो केस सीरियस हो सकते हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और प्लेटलेट कम होने से क्या होता है, फिर हमारी गम से ब्लीडिंग, दांतों से ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे गले में ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है। और प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है। इसमें पेट में दर्द भी हो सकता है और किडनी पे भी असर पड़ता है, लीवर पे भी असर पड़ता है, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है। इसलिए कभी भी इसको निगलेक्ट ना करें। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने प्लेटलेट्स चेक कराएं और जो रिलेवेंट टेस्ट है वो कराए जाएं और उसका इलाज करें। डेंगू का एक ब्लड टेस्ट भी होता है, वो हम NS1 एंटीजन को हम टेस्ट कर सकते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि डेंगू के है कि नहीं। और इसमें कुछ ज़्यादा इलाज करने की आवश्यकता नहीं। पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, खूब पानी पिएं, नारियल पानी पी सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोन डी वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं, शिकंजी यूज़ कर सकते हैं और पैरासीटामोल लेते रहें। इसमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो मच्छर के काटने के बाद भी देखने में आया है, सबको सीरियस नहीं होता है, कुछ लोगों को इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ज़्यादा होता है। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल यूज़ करेंगे तो आपको विल टू बी वेल आएगी, आप स्वस्थ रहना चाहेंगे। उसके लिए आप अपनी पूरी केयर करेंगे। ओम शांति। सचमुच कुछ अनुभवी वक्ता जब अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की, वहाँ से लेकर के आज वो जहाँ पहुँचे हैं, शिखर जिसे हम कहते हैं, या एक ऐसा आदर्श स्थल जहाँ हम सब पहुँचने की कामना करते हैं, तो उनके अनुभव सचमुच हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं कि आप भी यदि यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आप ये करें। इस प्रकार की बातें, विपत्तियां आ सकती हैं, ऐसा ऐसा लोग आपको कह सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही विशिष्ट जनों को आमंत्रित करते हैं जिनके अनुभव हमें भी प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए और शिखर पर पहुंचने के लिए। आज हमारे साथ हैं अरुणा रॉय जी, जो कि फाउंडर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के, जो राजस्थान से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आइए सुनते हैं। Spirituality cannot come from the kind of lives we are leading today. The planet is going, Amazon fires, वो तो वहाँ पे it's burning up the entire Amazon forest. यहाँ पे we are doing destroying our rivers, we are selling our rivers. They are selling our mountains, they are selling our land. How can we talk of spirituality when I would like to go back, jo Native Americans the, America ke, jo Indigenous Americans the, Chief Seattle ne Washington ko ek chitthi likhi thi about the land, about the forests. Wo hai spirituality. Chote chote cheez jahan jahan sambhav hai, उनको करना चाहिए। मैं यही मानती हूँ कि बहुत बड़ा मशीन है, तो एक पहिए को आप चलाएंगे ना तो दूसरे पहिए थोड़े थोड़े चलते हैं। अच्छे मूल्य और एक सहानुभूति से बांट के रहने के जो पद्धति हमारे देश में और सारे पारंपरिक समाज में होता था, उसको कहीं ना कहीं वापस लाना पड़ेगा। ट्रूथ हर समय रिलेटिव ही होता है और वो ट्रूथ को खोजना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवार्डो कालियानो, किसी ने उनको पूछा कि यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया तो ऐसे बकवास है, तो उन्होंने कहा कि यूटोपिया ऐसी चीज है जैसे हम होराइजन देखते हैं, तो जितना आप जाओ उसके पास वो उतना खसकता जाता है। यूटोपिया ऐसा है, एक स्वर्ग, एक राम राज्य, जो भी आप नाम दे दें वो वैसा है, मगर इसमें वो पाना इतना जरूरी नहीं है
चलना जरूरी है। जब तक हम चलते रहेंगे उम्मीद है। मित्रों, बुद्ध जी का एक और सुंदर कथन है जो अध्यात्म के विषय में है। उन्होंने कहा था कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के बिना मनुष्य नहीं जी सकता। इतने अध्यात्म को उन्होंने महत्व दिया अपने जीवन में भी और अपने अनुयायियों को भी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, महापुरुष किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं होते, वो सबके होते हैं और उनके कथन जो होते हैं वो शाश्वत हैं, सत्य हैं और अनुकरणीय हैं। तो क्यों ना हम भी आध्यात्मिक जीवन को समझें कि आध्यात्म जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। हो सकता है कि आज की जो आपाधापी है, तनाव है, बातें हैं, समस्याएं हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आध्यात्म वहां से निकलने का हमें राह दिखा दे। और यही सार्थक कर्तव्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां भी, सबको आध्यात्मिक पथ पर चलना सिखा रही हैं, अध्यात्म को बहुत ही सरल तरल करके सब तक पहुंचा रही हैं। बेंगलुरु बसवनागुड़ी के ब्रह्मा कुमारी वीवीपुरम सब जोन वरदानी भवन में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की थीम के तहत मदर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कन्नर फिल्म उद्योग की फिल्म निर्माता और निर्देशक श्रीमती स्वप्ना कृष्णा, बैंगलोर विश्वविद्यालय कला विभाग में संगीत की वरिष्ठ प्रोफेसर श्रीमती एस एन सुशीला तथा लायंस क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर विमला सुब्रमण्यम उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने अपनी प्रेरणा और शुभकामनाएं दी। वीवीपुरम सब जोन प्रभारी राजयोगिनी अंबिका दीदी द्वारा एक ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने मातृ दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी और माताओं की पालना के महत्व को स्पष्ट किया। माताओं के लिए अभिनंदन समारोह के बाद बच्चों द्वारा उनके बिना शर्त प्यार, निस्वार्थ देखभाल और अंतहीन धैर्य के लिए मातृत्व को कृतज्ञता देते हुए नृत्य प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। मित्रों, आज उत्सव का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध जी को बहुत ही प्यार से हम सभी याद कर रहे हैं और आज व्रत भी रखते हैं तो दान भी करते हैं। तो आज के व्रत और दान को कुछ नया रूप दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। भूखे रह लेना एक दिन, वो तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, रहना भी चाहिए, श्रद्धा जुड़ी हुई है। दान भी जरूरतमंदों को जरूर करना चाहिए जो हमारे पास है। लेकिन क्यों ना इस बार व्रत और दान दोनों हम गौतम बुद्ध जी के पंचशील के सिद्धांत को अपनाते हुए करें। जो पंचशील का सिद्धांत उनका सारी जग में जाहिर है, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और साथ ही साथ हम किसी भी प्रकार का नशा न करें, ये पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया। क्या इसे आजीवन व्रत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि हम ये नहीं करेंगे या इन चीजों का हम दान कर दें, ईश्वर को दान कर दें कि ये चीजें हमने दान कर दी, अब से हम ये नहीं करेंगे। ये सचमुच बुद्ध पूर्णिमा सार्थक रूप में मनाना होगा मित्रों। तो क्यों ना हम इस पर गहराई से चिंतन करें और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो सचमुच बुद्ध की तरह हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाएगा और औरों के लिए हम प्रेरणा के पुंज बन जाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।